अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम हेन्ना आर्ट लेके आए हैं, सिंपल एलिगेंट हेन्ना डिज़ाइन जो कि आप कभी भी लगा सकते हैं, बहुत इजी है। किसी भी फंक्शन पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्मॉल पार्टीज पे, किसी के बर्थडे पे या किसी भी स्मॉल फंक्शन पर बहुत ईजी। किड्स डिज़ाइन भी है और अडल्ट डिज़ाइन भी है। अगर आप किड्स के हाथ लगाएंगे तो आप इसे छोटे लगाएंगे, और अगर आप बड़ों के हाथ लगाएंगे तो इसे बड़े बड़े करके लगाएंगे, क्योंकि किड्स के हाथ में बड़े फ्लावर ज़्यादा फैल जाते हैं, तो इसलिए उनके हाथ में थोड़ा छोटा लगाइएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दिया करिए, और उसके साथ का बेल बटन ही क्लिक कर दिया करिए। इससे आप हमेशा नोटिफाइड हो जाएंगे कि जब भी मेरी न्यू वीडियो आ चुका आएगी, आप लोग हमेशा नोटिफाइड हो जाएंगे। तो अगर आप क्या कहते हैं आर्ट्स, पेपर क्राफ्ट, क्रोशे, नीलिंग, अच्छी तो क्रोशे नीलिंग में टाइम लगता करने में, तो मैं उसकी वीडियो बना रही होंगी। तो इंशाल्लाह वो इसी के महीने में आएगी। तो अभी तो पेपर क्राफ्ट हिन्ना से जुड़ी रही है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं एंड चाहते हैं कि आप और अच्छे सिखाएँ, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, अच्छे व्यूज़ दें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये डिज़ाइन एक्चुअली गर्ल्फ डिज़ाइन है। गर्ल्फ डिज़ाइन मीन्स एन अरबिक खलीजी डिज़ाइन, क्योंकि इसमें जो हर चीज़ जो है ना सही बड़ी बड़ी है। और जो मामा के अरबिक कस्टमर्स होते थे ना, तो वो हमेशा कहते थे कि उन्हें बड़ा डिज़ाइन चाहिए। तो बड़ा डिज़ाइन उनके लिए लाइक हम जब उन्हें लगाते थे तो मामा उसका ट्यूटोरियल भी बनाया करती थी। तो मामा अक्सर मेरे हाथों में बनाया करती थी या मेरे कज़न के हाथों पे, ताकि वो ट्यूटोरियल बना सके या अपने कस्टमर्स को दिखा सके कि कैसी लगती है ये हिन्ना। तो मामा को लाइक बहुत पसंद तो सही बड़े बड़े और शेडेड रोज फ्लावर्स बनाना। तो उन्होंने अपने हाथ पे सही बड़े बड़े दो रोज फ्लावर्स बनाए थे, और वो लेफ्ट हैंड से भी लगा लेती है। शायद आप लोगों ने हिन्ना डिज़ाइन आइडियाज़ पार्ट 1 या 2 में के वो वीडियो देखी होगी, जिसमें मामा ने अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड पे हिन्ना लगाई थी। वो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था, मैं तो लेफ्ट हैंड से पकड़ भी नहीं सकती मेहंदी। तो अगली वीडियो जो होगी वो हिन्ना आर्ट होगी, जो मैं कर रही होंगी। मैंने भी एक हिन्ना वीडियो बनाई थी, तो मुझे बहुत शौक़ था उस वक्त कि मैं भी ट्यूटोरियल बनाऊँ जिससे मेरी माँ बनाती है, मैं भी लाइक मेहंदी लगाऊँ। तो तब लाइक मुझे बहुत ज़्यादा शौक था मेहंदी का। अब मुझे लगवाने का शौक है, बट लगाने का शौक नहीं है। तो मेरी मामा को वो दोनों मामा चाहती है कि वो किसी और से ही मेहंदी लगवाए, वो खुद भी मेहंदी लगाए, उनको लाइक बहुत अच्छा लगता है उनको मेहंदी लगाए। तो एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था उनको लगाने, बिल्कुल भी अच्छी मेहंदी नहीं लगी थी। तो मैं तो छोटी सी थी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा सकती थी, मैं बहुत ही बिगिनर थी। तो ये जो लीव्स मामा ने पहले छोटे बनाए, अब मामा ने बड़े भी बनाए हैं, क्योंकि हर खलीजी गर्ल्फ डिज़ाइन में ये रोज़ेस के साथ बहुत प्यारे लगते हैं। बेशक आपका डिज़ाइन की लेन कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, बट गर्ल्फ डिज़ाइन बड़ा ही होता है, जैसा मर्जी ना हो। हमेशा वो आपके आर्म से लेके आपकी पॉइंटी फिंगर तक या किसी भी फिंगर तक आ रहा होता है, फिर वो सही बड़ा होता है और वो आपका हैंड को कवर कर देता है, आपको वहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिंगर डिज़ाइन जो होता है अक्सर छोटा ही बनता है, क्योंकि हमारे फिंगर्स छोटी होती है। जिनकी और मामा जब भी किसी कतरे को लगाती थी, उनके फिंगर से मज़े की बड़ी सी होती थी, तो उन पर लगाने का भी बहुत मज़ा आता था। मामा अच्छा खासा डिज़ाइन करती थी, और वो अक्सर कहते थे उन्हें चेक वो जो चेकर्स नहीं होते वो चाहिए नेट टाइप। तो बहुत सारे लोगों से भी लाइक भी करते थे, और जो मामा के कस्टमर्स उनको कहते थे लाइक हमारे डिज़ाइन शो करें, मामा ने अपना इंस्टाग्राम पेज देती थी या अपना यूट्यूब पेज देती थी। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पे हम मेहंदी वगैरह से ज़्यादा बढ़ के चीज़ें लगाते हैं और बहुत अच्छी चीज़ लगाते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं उम अब्दुल्ला हिना आर्ट्स। तो यह इंस्टाग्राम पेज का नाम है, तो उम अब्दुल्ला मामा का नाम है, बिकॉज़ हम रियल नेम से लिखते। तो
आर्ट्स, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी इंस्पायरेशन हेना आर्ट्स की मिल सकती है। और मामा के बहुत पुराने पुराने डिज़ाइन जो बहुत पुराने, लाइक लिटरली जब मैंने अपने मामा का इंस्टाग्राम पेज खोला मुझे इतने पुराने डिज़ाइन देखने को मिले, इतने 2013-14 आई नो वैन शी गुड दर्ज डिज़ाइन, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे। तो ये डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा है, ये वन ऑफ हर ओन डिज़ाइन का इंस्पायर्ड हुआ है, बट इसमें छोटे फ्लावर्स की जगह मैंने बड़े फ्लावर्स लगाए हैं, थोड़ा चेंज किया अपना डिज़ाइन। और मुझे बहुत शौक है अपने ही बनाई के क्रिएशन को चेंज करना, अगर आपको शौक है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप दीजिएगा, या फिर अगर नहीं शौक है तो थम्स डाउन, बट हमें थम्स डाउन मत दीजिएगा, हमें एक लाइक दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। It will be so good to hear that you have subscribed to our channel. Please subscribe to our channel. Share your videos with your friends and enjoy. So ये design जो है किसी भी like function पर आप पहन सकते हैं। Description के शुरू part में बताया था कि आप ये कभी भी like पहन सकते हैं design, like क्योंकि आपको आती मेहंदी लगाना, तो ये design आपके लिए बहुत perfect है। और अभी मामा ये जगह मामा को लगी थी बहुत खाली है, तो मामा को चलो यहाँ पे भर देते हैं। तो जो है यहाँ पे आप लोग लीव्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको खाली खाली लग रहा है, मतलब ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।